Your Excellency, Pradhan Mantri, Shri K.P. Sharma Oli Ji, Nepal se aaye Mantrigan tatha Samsad Sadasya Mahoday, Atidigan tatha Media ke Upasthit Sabhi Pratinidhi. Bharat Nepal Maitri ke Itihas ka aaj ek mahatvapurn divas hai. पद ग्रहण के पश्चात प्रधानमंत्री ओली जी की इस प्रथम विदेश यात्रा पर मैं उनका तथा नेपाल के संपूर्ण शिष्टमंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत के प्रति नेपाल की गौरवशाली जनता के अथाह प्रेम और सद्भावनाओं का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं नेपाल के नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं का तथा उनकी जागरूकता और विवेक का भी सम्मान करता हूं। इस अवसर पर मैं नेपाल के दिवंगत नेता श्रीमान सुशील कोइराला जी को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत नेपाल मित्रता में श्रीमान कोइराला जी का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल दो संप्रभुत्व देश हैं। इनकी मित्रता घनिष्ठ एवं अद्वितीय है। हिमालय की अखंडता तथा गंगा की पवित्रता हमारे सशक्त संबंधों के साक्षी हैं। सीमाओं के खुले द्वार हमारी जनता के आपसी संबंधों को परिभाषित करते हैं। एक धनी संस्कृति और परंपरा के हम सांझे उत्तराधिकारी हैं। नेपाल में शांति, स्थिरता और उसका आर्थिक विकास हमारा साझा उद्देश्य है। भारत नेपाल संबंधों के इन सभी पहलुओं पर मैंने और प्रधानमंत्री ओली जी ने आज विस्तार से बात की है। एक्सलेंसी ओली, पूरा विश्व इस बात को मानता है कि पिछले कुछ सालों में नेपाल ने लोकतंत्र और संघवाद के मार्ग पर प्रशंसनीय प्रगति की है। दशकों के संघर्ष के उपरांत नेपाल के संविधान की रचना और उसकी घोषणा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके निर्माण में नेपाल की सरकार और राजनीतिक नेतृत्व का तथा समाज के सभी वर्गों द्वारा किए गए योगदान का मैं अभिनंदन करता हूं। किंतु इसकी सफलता सहमति और संवाद पर निर्भर है। मुझे विश्वास है कि इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर राजनीतिक वार्तालाप के माध्यम से नेपाल के सभी वर्गों को साथ लेकर आप नेपाल के संविधान से जुड़े सभी मुद्दों का संतोषजनक निवारण कर नेपाल को प्रगति और स्थिरता की राह पर अवश्य ले जाएंगे। फ्रेंड्स, नेपाल की आर्थिक उन्नति, विकास तथा संपन्नता में भारत की स्थायी रुचि है। नेपाल के इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमारे संसाधन और संस्थाएं सदैव एक सकारात्मक साधन रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। इस संदर्भ में
भारत की आर्थिक प्रगति नेपाल की संपन्नता का एक सहज मार्ग बन सकता है। दोनों देशों के बीच ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स विकास के हाईवे बन सकते हैं। इसके मद्देनजर हमारे देशों के बीच दो और ट्रांजिट पॉइंट खोलने पर आज हुई सहमति मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। इन ट्रांजिट पॉइंट्स का खुलना क्षेत्रीय आर्थिक विकास तथा कनेक्टिविटी को भी प्रबल बनाएगा। मैंने अपनी नेपाल की 2014 की यात्रा के दौरान कहा था कि नेपाल का हाइड्रो पावर पोटेंशियल न केवल पूरे नेपाल को रोशन कर सकता है अपितु भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है। मुझे खुशी है कि नेपाल और भारत कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर मिलकर के काम कर रहा है। इनकी कुल क्षमता लगभग 7000 मेगावाट है। इन प्रोजेक्ट का शीघ्र और सफल निर्माण नेपाल की आर्थिक संप्रदा का प्रमुख मार्ग बन सकता है। मुजफ्फरपुर धलकेवाड़ ट्रांसमिशन लाइन, जिसका हमने अभी अभी टेक्नोलॉजी की मदद से उद्घाटन किया और वहां के लोगों की खुशी को हम अनुभव कर रहे थे, यह नेपाल को लगभग 80 मेगावाट बिजली तुरंत ही उपलब्ध कराएगी। आने वाले 2 सालों में यह लाइन 600 मेगावाट बिजली नेपाल को प्रदान करेगी। फ्रेंड्स, व्यापार और निवेश हमारे संबंधों के सशक्त स्तंभ है, इनको और प्रबल बनाया जा सकता है। इसके लिए इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का शीघ्र निर्माण दोनों देशों के हित में है। नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क निर्माण पर आज जो समझौता हुआ है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती प्रदान करेगा। पिछले वर्ष नेपाल ने एक भयंकर भूकंप से उत्पन्न त्रासदी का सामना किया था। आपदा नेपाल में आई किंतु पीड़ा हर भारतीय को हुई। भूकंप उपरांत नेपाल के पुनर्निर्माण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत ने $1 बिलियन का असिस्टेंस पैकेज अनाउंस किया था। इस क्षेत्र में आज हुए 2 एग्रीमेंट्स, एक $250 मिलियन की ग्रांट का तथा दूसरा $750 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट $ का हमारी सहभागिता को और आगे ले जाएंगे। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री श्रीमान ओली की भुज यात्रा नेपाल के पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन के कार्य में लाभकारी सिद्ध होगी। एक्सलेंसी ओली, आयुर्वेद भारत की प्राचीन सभ्यता का एक ऐसा प्रभावी अंग है जिसकी छाप आज के युग में भी प्रबल है। नेपाल भी आयुर्वेद से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। नेपाल में आयुर्वेद का विस्तार दोनों देशों के सांस्कृतिक और व्यापारिक हित में है। यदि नेपाल चाहे तो भारत नेपाल में आयुर्वेदिक कॉलेज खोल सकता है। इनको भारत के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय से जोड़ा जा सकता है। फ्रेंड्स, स्पष्ट है कि नेपाल की स्थिरता भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ओली और मैं इस बात से भी सहमत है कि दोनों देश बढ़ते हुए अतिवाद और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों का मिलकर मुकाबला करेंगे। हम अपने बीच खुली सीमाओं का टेररिस्ट और क्रिमिनल्स को दुरुपयोग नहीं करने देंगे।
इस संदर्भ में दोनों देशों की सिक्योरिटी एजेंसीज अपना सहयोग और मजबूत करेंगी। एक्सलेंसी ओली नेपाल में शांति, स्थिरता और संपन्नता हमारा साझा हित है। मैं और संपूर्ण भारत नेपाल के आर्थिक विकास के समर्थक है। भारत का सहयोग सदैव सकारात्मक रहा है। इसके अंतर्गत लिए गए एक्शंस नेपाल की सरकार तथा जनता की प्राथमिकताओं के अनुरूप रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारत नेपाल संबंध और सशक्त होंगे और नई ऊंचाइयों को छुएंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपका और आपके शिष्टमंडल का भारत में हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।